बीते 1 सितंबर को करोड़ों की डकैती को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस बुधवार की सुबह पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पिरान करियर पहुंची, जहां बदमाश कुछ देर के लिए रुके थे। पुलिस ने वहां छानबीन करने के बाद उन्हें फिर वापस लेकर ज्वालापुर पहुंची। यहां शंकर आश्रम में बदमाशों को ले जाया गया, जहां बदमाश डकैती से 3 दिन पहले आकर ठहरे थे। इसके बाद पुलिस शाम को श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में उन्हें लेकर पहुंची। यहां बदमाशों ने किस तरीके से डकैती को अंजाम दिया था, इसका रिसीन कराया गया और बदमाशों से मौके पर ही अधिकारियों ने पूछताछ की। कुछ देर के लिए बदमाशों को शोरूम के अंदर घुमाने के बाद पुलिस अपने साथ वापस लेकर चली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन तक बदमाशों को जो है पुलिस कस्टडी रिमांड पर रखा जाएगा और उनसे पूछताछ कर साक्षी जुटाए जाएंगे। 3 बदमाश आप लेकर आए, कौन से बदमाश हैं, यहाँ क्यों लेकर आए? ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं, जिनको PCR पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनको PCR पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है। सर, सीन रिक्रिएशन सर किस तरह से किया गया है सर, यहाँ पर कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में किस घटना से जुड़े बदमाश हैं सर ये डकैती? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।